यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड, और उसका भाई पहला एपिसोड होने वाला है। और इसमें क्या भी हमारा लेवल 13 है, और उसमें भाई एक पैनकिंग करके एक पाल है जिससे फाइट करनी है हमें। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हेड है वो, आई थिंक पाल पैनकिंग जो है अपने स्पीसीज में ऐसा कुछ जो भी है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। अभी मैं इसमें नया हूँ पाल वर्ल्ड में, तो भाई बेसिक है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से अपना गेम प्ले शुरू कर लेते हैं। और अभी हम उस जगह पर जो है फास्ट ट्रेवल करके आ चुके थे जहाँ पर पैनकिंग से हमें फाइट करनी है। तो एक बार चलते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। ऑल राइट, तो अभी हम उसी जगह के पास में है भाई जहाँ पे हमें उससे फाइट करनी है। और हमारे पास में कुछ पाल्स हैं पहले से ही, पैनकिंग वगैरह है, रॉबिन क्विल है, डायनोसोम है, क्योंकि उनको हमने कैप्चर कर लिया था, ये इजीली हमारे हाथ आ गए थे। ठीक है, तो अभी इस डंजन के अंदर एंटर करेंगे। और हमारे पास में यार वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एरोज़ की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अपना भाई वो भी डैमेज है, और 5 एरोज़ हैं अपने पास में, तो इससे भाई अभी और एरोज़ चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से अपने बेस पर चलते हैं और वहाँ से काफ़ी सारे एरोज़ बनाएंगे, और उसके बाद में अपने सारे जितने भी आर्मर वगैरह है, बो वगैरह, इन सबको रिपेयर करके देन तब वापस यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट से, फास्ट ट्रेवल करके अपने बेस पर चलते हैं। लेट्स गो। तो गाइज हम फाइनली यार देखो अपने बेस पर आ चुके हैं। और देखो यार मेरी बिल्डिंग स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे, और बाकी देखेंगे। जैसे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आगे भी और भी गेमिंग एपिसोड्स इसके लाएंगे। और हम एक काम करते हैं, काफ़ी सारे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 243 एरोज़ बना रहे हैं, और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बना लेंगे, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा नहीं होता। अभी अपने पास में 41 एरोज़ हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहले थोड़े से बना लिए थे आ करके, तो हमें लगा कि और भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसलिए हमने और भी बोज एरोज़ लगा दिए बनाने के लिए। ठीक है, और रिपेयर कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो फाइनली गाइस देखो यार हमने सारी चीज़ें अपनी रिपेयर कर ली हैं, और एक बार चेस्ट में देख लेते हैं। ओके, तो जो भी फालतू का सामान है ना अपने पास में, उस सबको यहाँ पे स्टोर कर दिया है, जो भी चीज़ें हमें स्टोर करनी थी। और फटाफट से अभी एक एग था अपने पास में, इसको एक बार देखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं क्या मिलता है इसमें से। कोई ना कोई पाल मिलेगा मस्त सा। ओके गाइस, ये घोड़ा मिला है, डियर, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है इसका। तो अभी क्या 228 एरोस बचे थे, और वो मेंढक जो था भाई वो बना रहा था, वो बीच में से ही छोड़ के चला गया। तो अभी एक काम करते हैं, कोई से पाल को लगाते हैं इस पर काम करने के लिए। चिलेट, ओके चिलेट तो नहीं करेगा इस चीज़ को, मुझे लगता है शायद से ट्रांसपोर्टिंग वगैरह ही करेगा, तो इससे इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक काम करते हैं, रॉबिन क्विल कर देगा शायद से। हाँ, तो रॉबिन क्विल इसमें हेल्प करेगा भाई, देख रहे हो कितनी वर्किंग, मतलब वर्क की स्पीड कितनी फास्ट हो गई है, देख रहे हो। तो इन एरोज़ को जल्दी जल्दी बना लेते हैं फटाफट से। और गाइस फाइनली देखो यार हमने सारे एरोज़ बना लिए, तो अभी क्या है वापस जाएंगे हम उसी जगह पर, फास्ट ट्रेवल करके आ चुके हैं हम उसी जगह पर। और यहाँ पर भाई हमें उसको पेलना है यार, पैनकिंग को यहाँ पे। तो अभी चलते हैं पहले अंदर, मतलब इस डंजन के अंदर चलते हैं, और फिर धीरे धीरे यार और भी एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे एरिया को, क्योंकि अभी मैंने बहुत छोटी सी जगह एक्सप्लोर की है, और ये बहुत बड़ा होने वाला, मुझे नहीं पता कितना बड़ा मैप है इसका, क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ भाई, और पहला एपिसोड है मेरा ये पाल वर्ल्ड का। तो यहाँ पर भाई ओबे इसके पैनकिंग के छोटे छोटे बच्चे भी हैं यार यहाँ पे, मुझे लगता है इनसे भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और लेवल 10 है इन सब का, और पैनकिंग का लेवल 15 है भाई। वैसे चिलेट काफ़ी अच्छी फाइट दे रहा है इसको, और मेन चीज़ है हमें अपने आप को सेफ रखना है, बाकी अपने पाल जितने हैं कि इसको आसानी से पेल देंगे, पर चिलेट को भाई काफ़ी डैमेज दिया है। ऑल राइट, तो हमें लग रहा है यार इसको सपोर्ट देना पड़ेगा इसी तरह से। तो अभी रॉबिन क्विल को डाल दिया हमने। ओ भाई इसके छोटे छोटे बच्चे भी भाई काफ़ी डैमेज दे रहे हैं, तेरी भैंस की, ओ भाई साहब, भाई छोटे छोटे बच्चे ही डैमेज कर देंगे ऐसा तो इसको पूरा, रॉबिन क्विल को भाई मुझे नहीं लगता आसानी से जीत पाएंगे इसको। ओ तेरी भाई क्या था ये, भाई पैनकिन को भी हराना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो, क्योंकि अपना रॉबिन क्विल का भी काफ़ी लो हेल्थ बचा है। तो ऑल राइट, तो इन्हीं की बरादरी का निकाल दिया एक हमने यहाँ पर छोटा पेंगुइन। ओके, काफ़ी अच्छा डैमेज गया लगा इनको एरोज से, मतलब एरोज का भी यार सही है, लेकिन भाई 5-5 डैमेज है सिर्फ,
मुझे लग रहा है अपने पाल्स का कुछ एबिलिटी यूटिल्स वगैरह का कुछ सीन हो सकता है शायद से, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर इसको भाई हरा के जाना है यहाँ से। पेनकिन को किसी भी तरह से हराना है। ओ भाई ये क्या, ओ नीचे से बर्फ का कुछ चिल्ली सी निकाली, मतलब क्या बोलूँ यार, जमीन में से बर्फ निकाल रहा है अभी। मतलब मैं अपने पाल्स का ही यूटिल्स का नहीं पता कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी पहला एपिसोड है यार, पहले में क्या ही पता चलेगा, और वो भी लेवल 13 पे हूँ मैं अभी। मतलब अभी तो सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ थोड़ा बहुत धीरे धीरे। तो वैसे काफ़ी डैमेज हो चुका है, लेकिन 900 HP रह रहा है इसका पेनकिन का। तो इसी के साथ में भाई डियर भी काफ़ी अच्छा खासा दे सकता है इसको टक्कर। 75 का डैमेज है एंड 50 का डैमेज फिर। ओ भाई मुझे अपने आप को सेफ रखना मेन चीज़ ये है, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है। तो ओके 600 HP के आसपास बचा है अपना घोड़ा, जमा दिया भाई 500 HP। और चिलेट ओके डायनासोर तगड़ी फाइट दे दीजिए। ओ भाई ये क्या था, मुझे लगा पता नहीं इधर कहाँ देख रहा है, गलत जगह जा रहा है भाई। डायनासोर ने एक ही बार में काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया इसको। ओ भाई साहब बढ़िया था। और 270 HP बचा हुआ है अभी ये, और 230 बचा है। ऑल राइट तो शायद कैप्चर हो जाएगा, 24% कैप्चर रेट है। ओके भाई क्या है ये, मतलब इतना 100 HP बचा हुआ है उसके बाद भी। ओके बस ये कैप्चर हो जाए कोई। अबे भाई क्या है, 100 HP पे भी कैप्चर नहीं हो रहा, इस बार कैप्चर हो जाना चाहिए। ओके 58% हो गया कैप्चर रेट, नाइस। ओके गाइस फाइनली देखो यार एक बॉस फाइट किल हम जीत चुके हैं इसको, और एक एंसेंट टेक्नोलॉजी पॉइंट भी अनलॉक हो चुका है हमारा। मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छी फाइट रही है। और वैसे अपने दो तीन पॉकीमोन को इसने पूरा अनकॉन्शियस कर दिया है। तो अभी बाकी मुझे लगता है शायद से और कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ओके तो अपने पास में भाई पैनकिंग भी हो चुका है, तो इसको मस्त अपग्रेड करेंगे और आगे काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा फाइट्स वगैरह में। तो अभी चलते हैं भाई डंजन से बाहर चलते हैं। ऑल राइट गाइज तो उम्मीद करते हैं यार आप सब भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी सजेशन करना यार, सजेशन देना कि हम और क्या गेमिंग एपिसोड्स इसमें इंक्लूड करें। और मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि यार मैं भी चाहता हूँ कि आगे और भी नई नई सीरीज़ नए नए गेम्स ऐड करने चाह रहे हैं हम इस चैनल पे। तो सजेस्ट करना यार, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है कि शायद से मुझसे ज़्यादा आप सबको पता है, ठीक है। और पता है नॉर्मल सी बात है यार, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भाई मुझे सजेस्ट करें कमेंट करके। तो मिलते हैं आप सबसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।